वादा है साथ निभाने का, यूं आगे बढ़ते जाने का। वादा है साथ निभाने का, यूं आगे बढ़ते जाने का। चले थे अकेले देखो काफिला है बन गया। एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, ओ हो एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। जो जुड़ते हैं हमसे उनके पूरे ख्वाब हो जाते हैं, खुशियों के वो पंख लगा के आसमान छुपाते हैं। जो जुड़ते हैं हमसे उनके पूरे ख्वाब हो जाते हैं, खुशियों के वो पंख लगा के आसमान छुपाते हैं। कोने कोने में यूं अपना संकल्प हमारा सबको स्वस्थ बनाना है, हमको ये संदेश हमारा दुनिया में फैलाना है। यही संकल्प हमारा सबको स्वस्थ बनाना है, हमको ये संदेश हमारा दुनिया में फैलाना है। मेहनत से आज नाम का मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन में। मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन में। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हर ट्यूसडे हम हेल्थ अवेयरनेस सेशन कंडक्ट करते हैं फेसबुक लाइव सेशन के माध्यम से। तो हमारा इस टॉपिक जो हम सेशन में इन टॉपिक्स को कंडक्ट करते हैं, उसका हमारा मेन मोटिव यही होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्थ के प्रति अवेयर करना, ज्यादा से ज्यादा आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स को कवर करना, आपकी क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करना, और एल्टॉस के माध्यम से आप इसका कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं उसके ऊपर हम इस पूरे सेशन के अंदर चर्चा करते हैं। So, दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो भी बहुत ही ज्यादा खास है। आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए इटसेल्फ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो टॉपिक है उनसे रिलेटेड है जो हमारी फैमिली को रन करते हैं एक्चुअल में। मैं यहाँ पे उस चीज को कवर नहीं कर रही हूँ कि कौन अर्निंग्स करके हमारी फैमिली को रन करता है, बट ओवरऑल जो हमारी फैमिली को चलाते हैं, हमारी फैमिली की केयर करते हैं, हमारी हर एक जरूरत का ध्यान रखते हैं, आज हम इस सेशन में उनकी बात करेंगे। जी हाँ, हमारे घर की जितने भी वुमेन्स हैं, हमारे घर की जितनी भी फीमेल्स हैं, उनको आज हम इस सेशन के माध्यम से ज्यादा उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वुमेन की अगर मैं बात करूँ, ऑब्वियसली वुमेन्स हमारी फैमिली का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट
एंड मेजर रोल जो है वो प्ले करती हैं, क्योंकि वो हमारी फैमिली का प्रॉपरली केयर करती हैं, उनका ध्यान रखती हैं एंड साइड बाय साइड अगर वो मतलब आउटडोर जाके काम करती हैं तो इस तरह से उनकी जो वर्किंग है वो डबल हो जाती है, उनकी जो मेहनत है वो डबल हो जाती है। तो ऐसे में हम सभी का फर्ज बनता है कि हम भी उनकी हेल्थ की डबल केयर करें, उनको उतनी ही ज्यादा केयर प्रोवाइड करें जितनी की उनकी हेल्थ की जरूरत है। अगर मैं बात करूँ ड्यूरिंग द जर्नी, मतलब उनकी होल लाइफ की जर्नी की बात करूं, तो ऑब्वियसली जो फीमेल है वो मल्टीपल फेजेस से गो थ्रू करती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द बर्थ एंड टिल एंड उसकी जो लाइफ है वो स्ट्रगल से भरी हुई है। अगर मैं फिजिकली बात करूं उसकी भी, और वैसे नॉर्मली भी जो वुमेन की लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगलफुल होती है। तो अगर हम आज उनकी हेल्थ के ऊपर अच्छे से फोकस करते हैं, हम उनकी हेल्थ की उतनी ही केयर करते हैं, उनकी जो इंटरनल नीड है, उनकी जो इंटरनल बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी जो फुलफिलमेंट्स हैं, अगर हम सही तरीके से नहीं करते हैं तो वुमेन जो है वो धीरे धीरे करके इंटरनली वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। दो आफ्टर सर्टेन एज हमारी बॉडी जो है वो काफी हद तक वीक होने लग जाती है, बट यही प्रॉपर टाइम है, यही प्रॉपर एक समय है जिसके ऊपर हम प्रॉपर केयर उनको अगर प्रोवाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो बॉडी का फंक्शन है वो सही तरह से होगा और जितनी उनकी बॉडी की प्रॉपर नीड्स हैं उसको हम कवर अप कर पाएंगे अगर हम इस चीज को बहुत सीरियसली लेते हैं। दोस्तों अगर मैं वुमेन हेल्थ की बात करती हूँ जनरली, तो वुमेन हेल्थ में सबसे जरूरी जो उनका फेज आता है दैट इज द मंथली साइकिल, द मेंस्ट्रुएशन पीरियड। मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स के दौरान में जो वुमेन है उसके अंदर काफी जो बॉडी है उसमें वीकनेस आ जाती है, उनकी बॉडी से काफी ज्यादा जो ब्लड लॉस होता है उसके माध्यम से हमारी बॉडी का जितना भी न्यूट्रिशन होता है काफी हद तक वो भी एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो स्पेसिफिकली एट दैट टाइम एक वुमेन को जो केयर की नीड होती है वो कहीं नॉर्मल डेज से ज्यादा हो जाती है। और अगर मैं जनरल भी बात करूं एक वुमेन हेल्थ की, तो एक वुमेन है अगर मैं बात करूं सुबह उठने से लेकर रात को बेड पर आने तक, उस ड्यूरेशन में भी उनकी जो वर्किंग है वो ज्यादा होती है। अगर हम मेन और वुमेन की लाइफ को कंपेयर करें और उनकी हेल्थ को कंपेयर करें स्पेसिफिकली, तो ऑब्वियसली दोस्तों जितने भी हेल्थ के रिस्क होते हैं, इधर अगर मैं छोटी से छोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात करूं या फिर बड़ी से बड़ी, स्टार्टिंग फ्रॉम द अगर मैं हाइपरटेंशन से बात करूं, हाई बीपी की, तो उसके भी केसेस जो है वो फीमेल्स में कहीं ना कहीं ज्यादा है एज कम्पेयर टू मेन। कैल्शियम जो है, ब्लड कैल्शियम है, उसका लेवल भी जो है वो वुमेन में कहीं ना कहीं कम है एज कम्पेयर टू मेन। देन अगर मैं मेजर हेल्थ कंसर्न्स की बात करूं, जैसे कि स्ट्रोक है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इसके भी अगर आप केसेस को जनरली कंसीडर करोगे तो ये भी कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है वो वुमेन्स में ज्यादा है एज कम्पेयर टू मेन। तो थ्रू आउट जो वुमेन की लाइफ है वो हार्डशिप से भरी हुई है, तो कहीं ना कहीं जो केयर है वो भी वुमेन ज्यादा डिजर्व करती है एज कम्पेयर टू मेन। रीजन बीइंग दोस्तों व्हेन शी गेट मैरिड, जब उनकी शादी हो जाती है तो आफ्टर एक फेज आता है प्रेगनेंसी फेज, उसमें भी 9 months जो उनकी बॉडी है वो सर्टेन चेंजेस से गो थ्रू करती है। एट दैट टाइम ऑल्सो उनकी जो बॉडी की कमजोरी है वो आ जाती है आफ्टर बर्थ ऑफ अ बेबी, सो उस टाइम पे भी उनकी जो केयर है वो एक्स्ट्रा होनी चाहिए। आफ्टर दैट हर मंथ उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसमें भी उनकी जो बॉडी की वीकनेस है उसको भी प्रॉपरली उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना कि हम नॉर्मल डेज में देते हैं। इवन उस टाइम पे हम लोगों को उनको एक्स्ट्रा केयर जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है। सो यहाँ पे एक बहुत अच्छा जो एल्टॉस है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट रेंज हम लोगों को दे रहा है, ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमें प्रोवाइड कर रही है कंपनी, जिनसे हमारी बॉडी की जो इंटरनल स्ट्रेंथनिंग है, अंदर से हमारी बॉडी जो है वो मजबूत बनती है। इसके अलावा हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस है या फिर हमारा स्ट्रेस को कोप अप करने में, हमारी बॉडी से जितनी भी वीकनेस है उसको मैनेज करने में भी ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं हमारी बहुत अच्छे तरह से हेल्प करते हैं। एंड अगर मैं जनरली आज के टाइम की बात करूं तो हम सभी लोग जो हैं वो
इंटरनल अपनी बॉडी को ब्यूटीफाई करने, इंटरनल मतलब उसके ऊपर फोकस नहीं करते। हमारा जो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा फोकस रह रहा है वो यही है कि हम एक्सटर्नली अपने आप को बेटर करें, एक्सटर्नली वे में हम किस तरह से ज्यादा बेहतर दिख सकते हैं, हमारा मेन फोकस वो है। बट अगर मैं बात करूँ हमारी हेल्थ की, तो हमारी जो हेल्थ है वो लॉन्ग टर्म तक तभी हेल्दी रह सकती है अगर हम अपनी हेल्थ को इंटरनली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, इंटरनली जो है उसको मजबूत कर रहे हैं, इंटरनली उसकी जो वीकनेस है उसको दूर कर रहे हैं, इंटरनल जो आपका न्यूट्रिशन है वो आपको दे रहे हैं, तभी हमारी बॉडी लॉन्ग टर्म तक कहीं ना कहीं हेल्दी रहेगी। बट अगर हम सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्सटर्नल ब्यूटी, एक्सटर्नल हेल्थ के ऊपर फोकस करेंगे तो हमारी जो हेल्थ है वो लॉन्ग टर्म तक सही नहीं रहेगी। इससे क्या होगा, आगे आने वाले टाइम में आपको जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो ज्यादा होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। अब जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की ही मैं अगर बात करूं या फिर आर्थराइटिस की बात करूं जो कि हमारे जॉइंट्स से रिलेटेड है, अगर आज हम अपने जॉइंट्स को अच्छी तरह से मतलब प्रॉपरली जो प्रोडक्ट्स आते हैं जिनकी हेल्प से हमारे जो जॉइंट्स है उनकी ग्रीसिंग होती है, उनकी स्ट्रेंथनिंग होती है, अगर आज हम उनको नहीं यूज करते हैं तो लॉन्ग टर्म तक हमारे जो जॉइंट्स है, हमारी बोन्स है, वो वर्किंग उनकी जो है वो सही नहीं होगी। आज हम सभी जानते हैं आफ्टर 30, जब 30 की एज जैसे ही फीमेल की क्रॉस होती है, हमारी बॉडी का जो कैल्शियम है वो ज्यादा लूज करने लग जाता है एज कम्पेयर टू मेन। एंड आफ्टर द एज ऑफ 30 हमें हमेशा से जो कैल्शियम है वो प्रेस्क्राइब किया गया है कंज्यूम करने के लिए। रीजन बीइंग क्योंकि हमारी बॉडी आफ्टर 30 जो बोन स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है, उसका जो कैल्शियम है वो धीरे धीरे लूज हो मतलब निकलना स्टार्ट हो जाता है, बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना स्टार्ट हो जाता है। तो दैट इज व्हाई इसके लिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि जैसे ही आप 30 इयर्स क्रॉस करते हैं आप कैल्शियम का जो सप्लीमेंट है उसको लेना स्टार्ट करो, ताकि आपका जो इंटरनल बोन है, जितने भी आपके जॉइंट्स हैं उनको स्ट्रेंथनिंग रहे, उसका जो कैल्शियम डिपॉजिट्स हैं वो बने रहे। रेस्ट क्या होगा, आने वाले टाइम में जब कैल्शियम लूज होगा तो ऑब्वियसली हमारी जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाएंगी, हड्डियां कमजोर होंगी तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर इसका जो इफेक्ट है वो पड़ता है। ऐसे ही हाइपरटेंशन है, अगर हम उसको सही टाइम पे ट्रीट नहीं करते हैं तो आगे चल के हमें हार्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो होने का खतरा है। एंड मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स जो कि आज का हमारा मेन फोकस है, हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उसकी अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली इस डेज में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि अगर हम इन डेज में सेफ्टी नहीं रखते हैं तो हमें मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम्स होने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। एंड जब ब्लड लॉस होता है, अगर किसी भी फीमेल का एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है तो ये उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं इंटरनली उसको बहुत ज्यादा कमजोर कर देता है, इंटरनली उसको बहुत ज्यादा वीक कर देता है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि जो आपका मेंस्ट्रुएशन फेज है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसको आप बहुत ध्यान से मतलब उस टाइम पे उनको जो केयर है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करें, उनके न्यूट्रिशन का उस टाइम पे स्पेसिफिकली ध्यान रखें, उनको जो सप्लीमेंटेशन चाहिए एट स्पेसिफिक एट दैट टाइम उनको आप ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कराएं, उनके खाने पीने का प्रॉपरली ध्यान रखें, उनको प्रॉपर रेस्ट भी जो है वो दें। एज दोस्तों अगर मैं बात करूं किसी वर्किंग वुमेन की, तो ऑब्वियसली उसको सुबह उठ के घर को भी मैनेज करना है, देन उसको अपना काम भी करना है, देन वापस आके भी दोबारा से अपना जो घर है उसको मैनेज करना है, राइट तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनकी हेल्थ के ऊपर फोकस किया जाए। रेस्ट क्या होगा, ऐसे टाइम पे हमारी जो हेल्थ है डे टू डे वो निग्लेक्ट हो रही है, क्योंकि भाग दौड़ हो रही है, उसमें हम अपने प्रॉपर खाना पीना भी नहीं खा पा रहे हैं, हमारी जो बॉडी का न्यूट्रिशन है हम वो भी नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बॉडी धीरे धीरे करके बहुत कुछ लूज करती है, बहुत कुछ होती है, जिसका जो रिजल्ट है वो आगे आने वाले टाइम में पता लगता है। ऑन द स्पॉट हमें इन चीजों की अनुभूति नहीं होती, इन चीज का एहसास नहीं होता कि हमारी बॉडी में कितनी वीकनेस आ रही है डे टू डे। ऑलरेडी हम लोग जो खाना खाते हैं दैट इज फुल ऑफ एडल्ट्रेशन, उसमें बहुत तरह की जो मिलावट है वो रहती है। सो
तो ऐसे टाइम पे सप्लीमेंटेशन प्लस प्रॉपर केयर ही एक सही वे है जो कि आपकी बॉडी को लॉन्ग टर्म तक हेल्दी रख सकता है। एज जो चीजें आज हमें हमारी डाइट से नहीं मिल पा रही, वो एल्टॉस हमें वो सारे सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करा रही है जिनके सेवन से हमारी जो हेल्थ है वो बेटर हो सके, और साथ ही साथ जितनी भी हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसके माध्यम से पूरी हो सके। तो दोस्तों आज के इस सेशन में जो हम मेन प्रोडक्ट्स हैं जिनको कवर करने वाले हैं, दैट आर सुंदरी जीवन, शतावरी टैबलेट एंड विगार कैप्सूल, राइट। तो ये सारे जो प्रोडक्ट हैं वुमेन हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा खास हैं, एज दी उनकी बॉडी की जो वीकनेस है उसको अंदरूनी तौर पर वो दूर करते हैं, उनका जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है उसको वो ठीक करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो उनकी बॉडी में ब्लड फ्लो है उसको ईज करते हैं, एज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन हमने देखा है, अगर मैं जनरली एक सर्वे के हिसाब से बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 5 वुमेन में से एक वुमेन ऐसी है जिसके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। मीन्स एट दैट टाइम उनको ऐसा मतलब ऐसे टाइम से सफर करना पड़ता है जिसमें उनकी जो नॉर्मल लाइफ है उनको एक साइड पे रख के अपने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से डील करना पड़ता है। जी हाँ, उस टाइम पे, यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि 5 में से एक वुमेन ऐसी है जिसके जो मंथली साइकिल जब उनको आते हैं तो उस टाइम पे उनका एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है और उनकी बॉडी में जो पेन्स हैं वो एक्सेस में होती हैं, और इतना ज्यादा हैवी ब्लड फ्लो होने की वजह से उनकी बॉडी इंटरनली वीक हो जाती है। सो एज पर ये सर्वे मैंने आपको बताया है, सो नाउ हम उन सारे प्रोडक्ट्स को जो कि मैंने आपको बताए हैं उनको डिस्कस करेंगे कि ये सारे प्रोडक्ट्स हमारी एक ओवरऑल हेल्थ को कैसे मेंटेन करते हैं और किस तरह से हमारी जो डे टू डे नीड है, रिक्वायरमेंट है, उसको ये पूरा करने में हेल्प करते हैं। तो इस कैटेगरी में सबसे पहला जो प्रोडक्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज योर विगार कैप्सूल। दोस्तों अगर मैं विगार कैप्सूल की कंपोजिशन की बात करूं तो उसमें अशोक, ग्वारपाठा, बांस, शतावरी, अश्वगंधा, केवांच और तुलसी, ये सारी आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जिनके कॉम्बिनेशन से ये जो विकार कैप्सूल है इसको तैयार किया गया है। बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल को हमने डिस्कस किया है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल वही है कि मंथली बेसिस पे हमारी बॉडी जो है उसके जो ब्लड टिश्यूज जो हैं, जो कि बेसिकली हमारे यूट्रस में प्रेजेंट होते हैं, उनसे ब्लड जो है वो हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट होता है। एंड दोस्तों इस टाइम पे जो मेन चीज होती है एक्सेसिव पेन, एक फीमेल को उससे सफर करना पड़ता है, क्राम्स यानी कि बहुत ज्यादा पेट में दर्द होता है, उनकी बॉडी से ब्लड लॉस होता है, उनको नौजिया की फीलिंग आती है, एंजाइटी हो जाती है। नौजिया एंजाइटी का मतलब है कि उनकी जो मतलब नॉर्मल स्टेट है बॉडी की वो नहीं रहती, उनको मतलब हर टाइम पे एक बेचैनी रहती है, समटाइम्स उनको वॉमिट करने का भी मन करता है, एंड इसी के साथ साथ मूड स्विंग्स भी होते हैं ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो नाउ अब बात करते हैं कि जो विगार कैप्सूल है वो हमारी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उसको ठीक करने में किस तरह से हेल्प करता है। दोस्तों जितनी भी हमारी यूट्रस की मसल्स होती हैं उनको हम बेसिकली यूट्राइन मसल्स बोलते हैं, तो ये जितनी भी हर्ब्स विगार में प्रेजेंट हैं ये हमारे यूट्राइन मसल को और हमारा जो एंडोमेट्रियम है बेसिकली उसको ये स्ट्रेंथनिंग देती है, उसको ये मजबूत बनाने का काम करती है, जिससे जो भी हमारे पेट में दर्द होती है उससे हमें रिलीफ मिलता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो भी ब्लड लॉस होता है तो उस ब्लड फ्लो को ईज करने में हेल्प करती है, मींस इजीली उनकी बॉडी से जो ब्लड है वो एक्सपेल आउट हो जाए, बहुत ज्यादा पेन, बहुत ज्यादा हार्डशिप से उनको सफर ना करना पड़े। एंड इसी के साथ साथ दोस्तों जो विगार है ये हमारा इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है, और इफ इन केस मतलब हम अगर इसका रेगुलर यूज करते हैं, रेगुलरली इसको कंज्यूम करते हैं, तो ये हमारी बॉडी को 24/7 एक्टिव रखने में भी हेल्प करता है। सो नाउ अब बात करते हैं विगार के बेनिफिट्स का। सो दोस्तों विगार जो है
अगर कोई वुमेन इसका रेगुलर बेसिस पे सेवन करती है, इसको कंज्यूम करती है, तो ये हमारी बॉडी को एज एक यू नो कंप्लीट नरिशमेंट के तौर पर पूरी उसको नरिशमेंट प्रदान करता है, जिससे हमारी काम करने की जो क्षमता है, हमारी बॉडी के काम करने की जो क्षमता है, उसको भी इंक्रीज होने में हेल्प मिलती है। एंड सेकेंड बेनिफिट की अगर मैं बात करूँ तो ये हमें फिजिकली और साथ ही साथ मेंटली एक्टिव रखने में भी हेल्प करता है। जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हमारा यू नो यूट्रस है, उसको ये सपोर्ट करता है, उसकी फंक्शनिंग को सपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। एंड हमारी बॉडी की जितनी भी वीकनेस है, कमजोरी है, हम काम करके अगर थक जाते हैं, तो जो वुमेन रेगुलर बेसिस पे विगार का सेवन करती है, तो उनकी बॉडी से ये जो वीकनेस है या फिर वो जब काम करते हैं थक जाते हैं, तो उनकी ये थकान भी ये दूर करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये हमारी बॉडी के हॉर्मोन्स को बैलेंस करने का काम करता है, और ये हमारी को एक गुड हेल्थ, जनरल हेल्थ को प्रमोट करता है, जिससे हमारी बॉडी की जो ओवरऑल फंक्शनिंग है, हमारा ओवरऑल हेल्थ है, उसको भी बूस्ट मिलता है। तो बात करते हैं इसके डोजेज की। तो आपने इसका सेवन सुबह शाम एक एक कैप्सूल करना है, और फ्रेंड्स आपने इसका सेवन खाना खाने के बाद में करना है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की, दैट इज शतावरी टैबलेट। दोस्तों शतावरी टैबलेट हम सभी जानते हैं बहुत अच्छा एक हर्ब है शतावरी, जो कि स्पेसिफिकली वुमेन हेल्थ की मैं अगर बात करूं तो उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसको अभी कंपनी ने कुछ ही समय पहले लॉन्च किया था। शतावरी टैबलेट की कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें शतावरी, अश्वगंधा और जीवांति है। दोस्तों ये सारी आयुर्वेदिक हर्ब्स का जो कॉम्बिनेशन है, ये एक वुमेन हेल्थ को बहुत अच्छा बूस्ट देने में हेल्प करता है। उनकी जितनी भी डिफिकल्टीज हैं हेल्थ को लेकर, उसको ये ईज करने में हेल्प करता है। जितने भी आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उससे ये आपको आराम दिलाने में मदद करता है। आपकी जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। इफ इन केस किसी भी वुमेन को एसिडिटी होती है ड्यूरिंग दिस पीरियड, यू नो देन उसके साथ उनको जलन हो रही है या फिर उनके पेट में अगर अल्सर्स हैं, तो शतावरी टैबलेट उन चीजों को भी ठीक करने में मदद करता है। शतावरी एक ब्लड प्यूरिफायर यानी कि जो रक्त शोधक का काम भी करता है। हमारी बॉडी से जितनी भी टॉक्सिन्स हैं उसको ये बाहर निकालने का काम करता है, डिटॉक्सिफाई करता है हमारी बॉडी को, और इसमें बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। मींस जो भी हमारी बॉडी में केमिकल प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, मुक्त कण बनते हैं हमारी बॉडी में, तो उन सारे मुक्त कणों के जो साइड इफेक्ट्स हैं उनसे भी बचाने का ये हमारी बॉडी को काम करता है। और एंटी इंफ्लेमेटरी है, इसका मतलब ये है कि ये हमारी बॉडी से जो सूजन है, स्वेलिंग हो जाती है हमारे सेल्स में, हमारी बॉडी ऑर्गन्स में, हमारे जॉइंट्स में, तो ये उस सारी स्वेलिंग को भी हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। और हमारी बॉडी की जो इंटरनल फिजिकल एनर्जी है उसको इंक्रीज करने में मदद करता है। लैक्टेशन को प्रमोट करता है, यानी कि व्हेन कोई भी मतलब फीमेल है जो वो माँ बनती है, उस टाइम पे उनका जो लैक्टेशन पीरियड होता है, मींस जब वो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, तो ये उसको भी लैक्टेशन को भी बूस्ट करने में मदद करता है। सो बात करते हैं शतावरी टैबलेट के डोजेज का। तो आपने इसका सेवन जो है वो सुबह शाम एक एक टैबलेट के रूप में करना है, और आपने इसका सेवन जो है वो खाना खाने के बाद में करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है सुंदरी जीवन। दोस्तों बहुत अच्छा सिरप है, इसको हम एक फोटे सिरप बोलते हैं, और बहुत अच्छा है। स्पेसिफिकली अगर मैं वुमेन हेल्थ की बात करूं, जिन लोगों को भी, अगर मैं यंग गर्ल्स की भी बात करती हूं, किसी को भी अगर मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम है या उनके पीरियड्स सही नहीं आते हैं या फिर बहुत डिले होके आते हैं, तो उस टाइम पे भी वो अगर सुंदरी जीवन को कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं, तो ये उनकी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स को ठीक करने में मदद करता है।
किसी के भी साइकिल है अगर रेगुलर नहीं है, या फिर उनका जो मंथली साइकिल है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उस केस में अगर किसी को भी ऐसा प्रॉब्लम है तो वो लोग सुंदरी जीवन का जो सेवन है वो स्टार्ट करें। इससे उनकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की रेगुलरिटी है वो बनेगी। जो भी अनियमितता है उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो सुंदरी जीवन के सेवन से दूर होती है। सो अगर किसी भी फीमेल को, किसी भी यंग गर्ल को, वुमेन को ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो वो लोग आज से ही सुंदरी जीवन को कंज्यूम करना शुरू करें विद तुलसी ड्रॉप्स। उनकी ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी सॉल्व आउट होने में इससे हेल्प मिलेगी। और बेसिकली दोस्तों, अगर मैं इसकी कॉम्पोजिशन की बात करूं, इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूं, तो इसमें नाग केसर, दशमूल, अर्जुन, सुपारी, अश्वगंधा, आंवला, इलायची, अशोक, लोदरा, मंजूफल, मोचरस, शतावरी और वसाका, इन सारी आयुर्वेदिक हर्ब्स के मिक्सचर से ये जो सुंदरी जीवन है इसको तैयार किया गया है। अगेन दोस्तों, अगर इसके मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी मेंस्ट्रुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करता है। देन आपकी बॉडी का जो एनर्जी लेवल है उसको ये बनाए रखने में मदद करता है, इवन उसको और बेटर करने में मदद करता है। जो भी हमारी बॉडी को इंटरनल वीकनेस आती है उसको ये दूर करने में मदद करता है। आप में अगर किसी भी टाइप का यूट्रस में प्रॉब्लम आ जाती है, ये उसकी फंक्शनिंग को ठीक करने में मदद करता है। ल्यूकोरिया यानी कि वाइट डिस्चार्ज की अगर किसी भी फीमेल को प्रॉब्लम है तो वो भी सुंदरी जीवन को कंज्यूम करें, इससे उनकी जो ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है उससे भी उनको रिलीफ मिलेगा। आपका हार्मोन का इम्बैलेंस अगर हो गया है तो आप उस केस में भी सुंदरी जीवन का सेवन करें तो ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को भी ठीक करने में मदद करता है। अगर किसी फीमेल को यूरिन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है या फिर उनके यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसको ये ठीक करने में मदद करता है। अगर आपके यूरिन की एसिडिटी या उनका जो पीएच है बेसिकली वो काफी कम हो जाता है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो यूरिन है वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो गई है, तो उस टाइम पे भी अगर कोई सुंदरी जीवन को कंज्यूम करता है तो ये उनकी यूरिन रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक करने में मदद करता है। किसी को गैस्ट्रिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स है यानी कि एसिडिटी है, ब्लॉटिंग हो जा रही है, तो उस केस है उनकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से उनको रिलीफ दिलाने में मदद करता है। अगर स्पेसिफिकली मेंस्ट्रुएशन साइकिल में हमारी जो एपेटाइट है यानी कि हमारी भूख है वो काफी हद तक कम हो जाती है, तो उस केस में भी ये हमारी जो एपेटाइट है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है, ताकि उस दौरान भी हम जो है वो पूरा खाना पीना जो है वो अच्छे से खाएं और हमारी बॉडी में जो वीकनेस है वो किसी भी प्रकार की ना आए। तो इस तरह से ये एपेटाइट को भी इंक्रीज करता है। सो इसी के साथ साथ दोस्तों, ये आपकी जो वेट मैनेजमेंट है उसमें भी हेल्प करता है। सो ये सारे हैं सुंदरी जीवन के बेनिफिट्स। मींस अगर हम सुंदरी जीवन कंज्यूम करते हैं तो ये हमारी बॉडी की जो ओवरऑल हेल्थ है उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करेगा। सो ये था हमारे इन तीनों प्रोडक्ट्स के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, हमें रेगुलर बेसिस पे जो है इसके साथ साथ कैल्शियम का सेवन भी करना चाहिए। आफ्टर 30 की अगर मैं बात करूं तो हर वुमेन को जो कैल्शियम है उसका सेवन करना चाहिए, यानी कि जो ओरिकेल डी हमारे कैल्शियम टैबलेट्स आते हैं उसको कंज्यूम करना चाहिए। इसमें कैल्शियम के साथ साथ वाइटामिन D3 है। D3 इसमें इसलिए ऐड किया गया है, ये हमारे जब ब्लड स्ट्रीम में जाता है, आपकी बॉडी के अंदर जाता है, तो जो भी भोजन में आपको कैल्शियम आता है तो D3 जो है वो आपकी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। मींस वो आपकी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाए, इसलिए इसकी जो D3 है उसकी एडिशन की गई है। सो वाइटामिन D3 इसमें जो ऐड किया गया है वो कैल्शियम की अच्छी एब्जॉर्प्शन के लिए किया गया है। तो हर वुमेन को जो है आफ्टर 30 जो ओरिकल डी है यानी कि कैल्शियम टैबलेट है उसका सेवन जो है वो अवश्य करना चाहिए। एंड दोस्तों, अगर आप इन सारे प्रोडक्ट्स को तुलसी के साथ एज अ कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो ये आप
तो जो रिजल्ट है वो ऑलमोस्ट डबल मिलता है आपको, इसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा मिलता है। तुलसी को आप गर्म पानी में डाल के जरूर सेवन करिए, और स्पेसिफिकली अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान किसी को पेट में बहुत ज्यादा दर्द है जो कि कंट्रोल में नहीं हो रहा, तो आप एक कप गर्म पानी में एटलीस्ट 5 ड्रॉप्स तुलसी डाल के उसका सेवन करिए, तो ये आपको पेट के दर्द से आराम दिलाने में भी मदद करेगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों, वुमेन को हमने जो बात किया है इंटरनली स्ट्रांग रखने का, इंटरनली उनको फिट रखने के लिए हमें ये सारे प्रोडक्ट्स देना है। एक्सटर्नली ऑब्वियसली हम सभी आज के टाइम पे अपनी एक्सटर्नल ब्यूटी को भी उतनी ही प्रेफरेंस देते हैं, तो एक्सटर्नली जो प्रोडक्ट्स उनको यूज करने चाहिए एज पर देयर स्किन, फेस वॉश अच्छे से मतलब करना है अपने फेस पे एज पर देयर स्किन टाइप, उनको जो फेस वॉश है उसको ऑफ करना चाहिए हर 10 to 15 days के इंटरवल पे। उनको जो फेशियल है वो करनी चाहिए। एल्टॉस आपको 7 तरह के जो वेरिएंट्स हैं 33 ग्राम्स में प्रोवाइड करा रही है, जिनका अपना अपना एक स्पेसिफिक बेनिफिट है, तो एज पर योर रिक्वायरमेंट एज पर योर नीड आप इन 7ों फेशियल किट के वेरिएंट में से कोई भी फेशियल किट जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। एंड हर 10 to 15 days के बाद आप जरूर फेशियल जो है वो अपने स्किन पे करें। एंड जैसे कि अभी गर्मी आ गई है तो इस टाइम पे ऑब्वियसली हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा नीड भी है, आपके फेस को नीड है। एंड इसी के साथ साथ दोस्तों, जो एस्ट्रिंजेंट लोशन है या फिर टोनर है उसका इस्तेमाल आप गर्मियों में करें, तो इससे आपकी जो स्किन की अपर डस्ट है, अपर डर्ट जो जम जाती है आपकी स्किन के ऊपर, वो भी साफ होने में हेल्प मिलती है। तो एक्सटर्नली आप ये सारे प्रोडक्ट्स यूज करके अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हो, एंड इंटरनली जो प्रोडक्ट्स हमें एक्चुअल में यूज करने चाहिए वुमेन को, तो ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने आपसे वन बाय वन करके डिस्कस किए हैं। स्टिल आपको किसी भी टाइप का डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, आप मुझे हमारी कंपनी के टोल फ्री नंबर 1800-137-5210 पे कॉल करके अपनी कोई भी हेल्थ से रिलेटेड क्वेरी है, कोई भी पर्सनल केयर से रिलेटेड क्वेरी है, किसी भी प्रोडक्ट को लेके, किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम को लेके आपके डाउट हैं, तो आप इस टोल फ्री नंबर के माध्यम से कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं एट लास्ट आपको यही कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उसको कंज्यूम करें, खुद भी करें, एंड लोगों में भी इसका ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करें, उन तक भी ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो पहुंचाएं, उनको इनकी स्पेसिफिकेशंस बताएं, उनको इनका यूजेज बताएं, उनको यूजर बनाएं। ऑब्वियसली अगर आपको ये सारे प्रोडक्ट्स यूज करके इतने हेल्थ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो जब वो लोग भी इसका इस्तेमाल करेंगे, वो भी यूजर बनेंगे, तो ऑटोमेटिकली उनको भी ये सारे जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो मिशन है हम जल्दी से उसको भी पूरा कर पाएंगे। एंड दोस्तों, हमें ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर फोकस करना है कि जिस मिशन को लेके हम एल्टॉस के साथ चल रहे हैं कि हमें हर फैमिली को हेल्दी बनाना है, हर एक पर्सन को हेल्दी बनाना है, हम ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर फोकस करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर इस चीज को बताएं, इस चीज का प्रमोशन करें, तभी हम अपने मिशन को सक्सेसफुल होने करने में खुद भी कामयाब हो पाएंगे। एंड दोस्तों, अगेन मैं लास्ट यही कहना चाहती हूँ, अपना भी ध्यान रखें, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखें, और ज्यादा से ज्यादा इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स का सेवन करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय एल्टॉस।